नमस्कार दोस्तों, कार कंपेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त कौशल चौधरी और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डेटसन गो प्लस और इको की विस्तृत तुलना। माना कि दोनों गाड़ियां दिखने में बिल्कुल अलग हैं। इको का आकार वैन जैसा है और डेटसन गो प्लस का हैचबैक जैसा, लेकिन हमारे कई सारे दर्शकों ने इन दोनों गाड़ियों में से उनके लिए कौन सी बेहतर रहेगी यह पूछा है। तो दोनों गाड़ियों में से कौन सी ज़्यादा मजबूत है, कौन सी ज़्यादा कंफर्टेबल है, किसका माइलेज अच्छा है, किसकी कीमत कम है, कौन सी ज़्यादा सेफ है, ऐसे सारे सवालों का जवाब पाने के लिए देखते रहिए कार कंपेरोज का इको विज डेटसन गो प्लस कंपेरिजन वीडियो। हमारे आने वाले वीडियोज का आपके मोबाइल पर तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, बात करते हैं कीमत और फीचर्स की। इको के एसी पेट्रोल मॉडल की कीमत है 4 लाख रुपये ऑन रोड दिल्ली। डेटसन गो प्लस के AEPS मॉडल की कीमत है 5 लाख रुपये, जो इको से 1 लाख रुपये महंगा है। दोनों गाड़ियों में एयर कंडीशनिंग तो है, लेकिन इको में पावर स्टीयरिंग का फीचर्स उपलब्ध नहीं है। डेटसन गो प्लस इको से महंगी जरूर है, लेकिन उसमें 4-5 ऐसे फीचर्स हैं जो इको में मौजूद नहीं है, जो है पावर स्टीयरिंग, बॉडी कलर बम्पर्स, फ्यूल कंप्यूटर और टैकोमीटर। दोस्तों, बात करते हैं माइलेज की। डेटसन गो प्लस का ARAI माइलेज है 19.4 किलोमीटर प्रति लीटर। इको पेट्रोल का ARAI माइलेज है 16.2 किलोमीटर प्रति लीटर, यानी कि गो प्लस से 3.2 किलोमीटर प्रति लीटर कम। हमारे विश्लेषण के दौरान गो प्लस का माइलेज इको से 1.5 किलोमीटर प्रति लीटर बेहतर पाया गया। इसका मतलब सालाना 15,000 किलोमीटर की रनिंग के लिए 5 साल में आपको इको में पेट्रोल भरने के लिए गो प्लस से लगभग 75,000 रुपये ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, बात करते हैं पिकअप और स्मूथनेस की। दोनों गाड़ियों में 1200cc का पेट्रोल इंजन है। इको का इंजन 4 सिलेंडर होने के कारण उसमें गो प्लस के 3 सिलेंडर इंजन से 5 हॉर्स पावर ज़्यादा है, लेकिन टॉर्क गो प्लस से 3 Nm कम है। मगर गो प्लस इको 150 किलो से हल्की है, इस वजह से गो प्लस का पिकअप इको से साफ साफ बेहतर है, लेकिन स्मूथनेस के मामले में इको का इंजन गो प्लस से थोड़ा सा बेहतर है। दोस्तों, बात करते हैं अंदरूनी जगह और कम्फर्ट की। डेटसन गो प्लस इको से 220 mm लंबी है और 166 mm चौड़ी है, लेकिन इको गो प्लस से 300 mm ऊंची है। इको के 7-सीटर मॉडल में मिडिल सीट पर 2 यात्री और पिछली सीट पर 3 यात्री बैठने के लिए जगह दी गई है। गो प्लस में मिडिल सीट पर 3 यात्री और पिछली सीट पर 2 यात्रियों की जगह दी गई है, मगर गो प्लस की सबसे पिछली पंक्ति की सीटें बहुत ही छोटी हैं। उन पर ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट की लंबाई वाले बच्चे ही बैठ सकते हैं। इसके विपरीत इको में 7 लोग थोड़े से ज़्यादा आसानी से बैठ पाते हैं, मगर 7 यात्रियों को बिठाने के बाद दोनों गाड़ियों में सामान रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं रहती है। गो प्लस में सिर्फ 48 लीटर बूट स्पेस है, जो पिछले सीट फोल्ड करने के बाद 350 लीटर बन जाता है। इको के 5-सीटर मॉडल में 540 लीटर बूट स्पेस मौजूद है। 5 यात्री और उनके सामान के लिए ले जाने को गो प्लस इको से काफ़ी ज़्यादा बेहतर गाड़ी है। उसकी सीट्स भी इको से ज़्यादा आरामदायक हैं। गो प्लस के इंटीरियर की स्टाइल और बनावट दोनों इको से बेहतर है। दोस्तों, बात करते हैं पकड़ और सस्पेंशन की। गो प्लस और इको की पकड़ और संतुलन में जमीन आसमान का अंतर है। गो प्लस का नियंत्रण भी इको से बहुत अच्छा है। इको काफ़ी ऊंची गाड़ी है। इको का CG यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी गो प्लस से काफ़ी ऊपर है, इस वजह से उसमें बॉडी रोल यानी कि दाएं बाएं डोलने की प्रॉपर्टी गो प्लस से काफ़ी ज़्यादा है। इसके कारण इको तेज रफ्तार पर मोड़ लेते वक्त अपनी पकड़ खो देती है और फिसलने लगती है। इतना ही नहीं, इको में गाड़ी के लुढ़कने का भी डर लगा रहता है। बॉडी रोल को काबू में रखने के लिए इको के सस्पेंशन काफ़ी सख्त बनाया गया है। इस वजह से वह गड्ढों और स्पीड ब्रेकर को अच्छे से सोख नहीं पाती है और अंदर बैठे यात्रियों को तेज झटके पहुंचाती है। वहीं गो प्लस गड्ढों को अच्छे से सोख लेती है और उसमें बैठे यात्रियों को इको से काफ़ी कम झटके लगते हैं। दोस्तों, बात करते हैं क्वालिटी और मेंटेनेंस की। पिछले 40 साल में सुजुकी ने यह साबित किया कि उनकी हल्की से हल्की गाड़ी भी सालों साल बिना किसी बिगाड़ के, बिना ज़्यादा मेंटेनेंस के चलती रहती है। इसके विपरीत डेटसन अभी मार्केट में नया ब्रांड आया है। अब तक तो उसकी गाड़ियों का टिकाऊपन काफ़ी अच्छा रहा है। इको के स्पेयर पार्ट्स और सर्विस का खर्चा डेटसन गो प्लस से थोड़ा सा कम है, लेकिन मारुति की 3000 सर्विस सेंटर की बदौलत इको का सर्विस देश के कोने कोने में उपलब्ध है। इसके विपरीत डेटसन के फिलहाल 300 से भी कम सर्विस सेंटर मौजूद हैं और उन सर्विस सेंटर की कारीगरी और व्यवस्था भी उतनी अच्छी नहीं है। दोस्तों, अब समय हो चुका है अंतिम निर्णय का। अगर आपके परिवार में 6 या 7 सदस्य हैं तो गो प्लस आपके किसी काम की नहीं है, वह 5 यात्रियों के लिए ही ठीक है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, जहां मिट्टी और कीचड़ में आपको अक्सर गाड़ी चलानी पड़ती है, तो रियर व्हील ड्राइव वाली इको आपके लिए गो प्लस से ज़्यादा उपयुक्त गाड़ी है। छोटे शहरों में आपको मारुति की सर्विस भी बड़ी आसानी से मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ज़्यादातर शहरी सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले हैं और 5 यात्री और उनका सामान ले जाने के लिए बेहतर गाड़ी ढूंढ रहे हैं, तो वह है गो प्लस। गो प्लस का पिकअप, उसका माइलेज, उसका सीटिंग और सस्पेंशन कम्फर्ट,
पावर स्टीयरिंग की सुविधा, एयरबैग की सेफ्टी और इको से बेहतर पकड़ और संतुलन की वजह से वह तकनीकी रूप से इको से काफ़ी अच्छी गाड़ी है और इस वजह से डैटसन गो प्लस हमारे इस तुलना की निसंदेह विजेता है। अगर आपको डैटसन गो प्लस या इको की अन्य गाड़ियों के साथ कंपैरिजन वीडियो देखने में दिलचस्पी है तो लाइक करें, हमारे नए वीडियोज का नोटिफिकेशन आने के लिए सब्सक्राइब करें और आपकी प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन का उपयोग करें। धन्यवाद।